सो मार्केट इज मेकिंग डेली न्यू लोस। सो क्या अब मार्केट अंडर वैल्यू जोन में आ चुका है या अभी भी ओवर वैल्यू जोन में ही है? इज दिस अ राइट टाइम टू एक्युमुलेट मोर स्टॉक्स या फिर अभी भी वेट करना चाहिए? सो हम देखने वाले हैं इन सारे पॉइंट्स को 3 डिफरेंट डेटा पैरामीटर पे। नंबर 1 मार्केट का पी, नंबर 2 GDP टू मार्केट कैप रेशियो एंड नंबर 3 बबल स्टॉक्स। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम मार्केट का ओवर वैल्यू या अंडर वैल्यू हम चेक करने वाले हैं मार्केट के ही पीई से। जैसे आप स्टॉक्स लेवल पे पी चेक करते हो, वैसे ही आप मार्केट लेवल पे भी पीई चेक कर सकते हो बड़ी आसानी से। अगर आपको पी नहीं पता है तो आपको यहाँ पे वीडियो मिल जाएगा, आप आराम से उसको बाद में देख सकते हो। ये वेबसाइट है निफ्टी पी रेशियो, यहाँ पे आप आसानी से निफ्टी का पी रेशियो देख सकते हो। तो मैं आपको पहले इंट्रोड्यूस करा देता हूँ, यहाँ पे जैन फेब ये मंथ्स है और ये है ईयर, है ना। तो अभी 2022 चल रहा है, सो 2022 में जून में निफ्टी का जो पीई चल रहा है वो चल रहा है 20, एंड 20 इज रीजनेबल पी, ऐसा कुछ बहुत गड़बड़ नहीं है। अब जरा पिछले मंथ्स का देखते हैं, तो आप देख रहे हो कंसिस्टेंटली जो हमने हाईएस्ट पीई बनाया था वो था 41.23। वो कब था? 21 में, फेब में, फेब 21 में हमने हाईएस्ट जो है पीई बनाया था, और उसके बाद से आप देख रहे हो 40 से नीचे गिरते 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 कंसिस्टेंटली हम नीचे जा रहे हैं, और अब हम 20 के भी लेवल पे आ चुके हैं। और सबसे सस्ता मार्केट कब था? तो आप देख सकते हो 2003 में जून जुलाई के आसपास मार्केट 12 और 13 के पीई पे चल रहा था। तो अभी भी मार्जिन ऐसा बचा हुआ है कि हम 12-13 के पीई के आसपास जा सकते हैं। 13 का पीई हमने 2008 के क्रैश में भी देखा था, आप यहाँ पे देख रहे हो, और 2014 में भी हम 17-18 की रेंज में थे। उसके बाद अगर आप 17-18 की रेंज ढूंढोगे तो आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा। तो या तो हम 17-18 की रेंज में जाकर के रुक सकते हैं, पॉइंट नंबर 1, या तो हम बहुत ज्यादा गिरेंगे तो 12-13 के पी तक भी जा सकते हैं। तो पी के एंगल से हमने देख लिया कि अभी हम ऑलरेडी 20 के पी पे चल रहे हैं। मैक्स लेवल 1 हम जा सकते हैं 18-17 के पी तक। लेवल 2 अगर यहां से भी बहुत ज्यादा गिरावट हुई तो हम 12-14 का पी भी देख सकते हैं। तो पी के एंगल से हम बहुत ज्यादा ओवर वैल्यू बिल्कुल भी नहीं है। वहीं अगर हम दूसरे एंगल से देखें मार्केट कैप टू GDP, अभी के लिए GDP VDP भूल जाओ, सबसे पहले सिंपल एग्जाम्पल देखते हैं। मान लीजिए आपका एक घर है, है ना, सिंपल सा घर है, उसमें 4 बेडरूम है, ठीक है। अब इस घर की जो आपने टोटल कीमत बताई कि यार अगर मैं पूरा का पूरा घर बेचूंगा ना तो इसकी टोटल कीमत होगी 2 करोड़ रुपया, ठीक है, ओके, यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये जो मेरे 2 घर है ना, अगर मुझे सिर्फ इन दोनों को बेचना हुआ, है ना, सिर्फ इन दोनों को, तो मैं इसको बेचूंगा 3 करोड़ रुपए में। आपको खुद ही पता लग रहा होगा कि यार ये मैथ ही गलत है, ऐसा तो होना ही नहीं चाहिए, ये दोनों का मिला करके कम कीमत होनी चाहिए, इससे टोटल से ज्यादा कैसे हो सकता है। बिल्कुल उसी तरीके से जो इंडिया की जो टोटल GDP है वो लगभग $3 trillion है, है ना। तो जो स्टॉक मार्केट में जितनी कंपनियां हैं, जितनी भी लिस्टेड है, सबको अगर मिला दें कि अगर सबको एक साथ हम खरीदें जितना मार्केट प्राइस दे रहा है, वो $3 trillion से तो ज्यादा नहीं होनी चाहिए ना। पूरे इंडिया की GDP अगर $3 trillion की हो रही है तो सारे बिजनेसेस मिला करके जितना बिजनेस कर रहे हैं उनको जितना मार्केट प्राइस दे रहा है वो यार इससे ज्यादा तो नहीं होना चाहिए। तो इसको हम चेक करते हैं कि कहीं हम टोटल GDP से तो ज्यादा मार्केट की वैल्यू नहीं पहुंचा रहे हैं। तो इसको कैसे चेक करेंगे? सो ये मैं फॉर्च्यून इंडिया नाम से वेबसाइट है जहां पे ये बहुत ही डिटेल्ड आर्टिकल है, मार्केट कैप टू GDP रेशियो। सो अगर आप इस डेटा पे फोकस करोगे तो 2006 से लेकर के 2022 तक का डेटा है, और आप देख रहे हो मार्केट कैप टू GDP फ्लक्चुएट हो रहा है, और जो हमारा एवरेज निकल के आता है वो आता है 79। तो अगर हम 79 के आसपास हैं तो बढ़िया है, तो हम ओवर वैल्यू जोन में नहीं है। लेकिन हम 79 से बहुत ऊपर हैं तो हम ओवर वैल्यू जोन में आ जाते हैं, और इससे नीचे आते हैं तो हम अंडर वैल्यू जोन में आ जाते हैं, ओके। जरा देखते हैं, तो आप देख रहे हो 2007 के क्रैश के पहले हमारी जो मार्केट कैप टू GDP थी वो 103 थी, यानी हम ओवर वैल्यू जोन में थे, और 2008 के क्रैश में हम सीधा 55 पे आ गए, तो हम अंडर वैल्यू हो गए, और फिर अंडर वैल्यू से हम रिकवर करके फिर ये जो है नॉर्मल चलता रहा। अब जरा देखते हैं कोविड के बाद हमारा जो मार्केट कैप टू GDP रेशियो 115 आ चुका है, यानी कि पीई वाइज हम भले ही रीजनेबल पोजीशन में बैठे हैं लेकिन मार्केट कैप टू GDP रेशियो FY 2022
टू में हम 115 के आसपास आ चुके हैं, जो कि ओवर वैल्यू जोन में है। लेकिन अभी इस मंथ चूंकि ऑलरेडी मार्केट काफी गिर चुका है, तो ये 115 जाहिर सी बात है काफी कूल डाउन हो चुका होगा। तो ये कूल डाउन होकर के कहां पहुंचा है वो भी एक बार देख लेते हैं। और मार्केट कैप टू जीडीपी को बफेट इंडिकेटर भी कहते हैं, तो कंट्री इंडिया का यहां पे लिखा हुआ है, आप यहां पे देख सकते हो। हमारा जो 10 ईयर मैक्सिमम गया था वो 117 गया था और 10 ईयर का मिनिमम 54 था। और करंटली जो थोड़ा सा कूल डाउन हुआ है पिछले 1-1.5 महीने में, उसकी वजह से अभी जो हमारा मार्केट कैप टू जीडीपी रेशियो चल रहा है वो चल रहा है 93। और हमने देखा जो हमारा एवरेज आ रहा था वो लगभग 79, यानी एक होल नंबर ले लेते हैं लगभग 80% तो रहता है, लेकिन अभी वो 93 पे है। तो इसका मतलब है वो थोड़ा सा ओवर वैल्यू जोन में ही है, बिल्कुल ओवर वैल्यू जोन में है। तो अब आपने दोनों पैरामीटर पे देख लिया, नंबर वन पीई हमारा जो है अभी लगभग 20 चल रहा है। एग्जैक्ट अगर मैं बोलूं आज के दिन का 14 जून का, तो 19.52 चल रहा है, विच इज ओके, फेयर है। नंबर टू, अगर हम मार्केट कैप टू जीडीपी रेशियो देखें तो वो जो है अभी हमारा 94 के आसपास चल रहा है और एवरेज जो होना चाहिए वो 80 होना चाहिए, तो अभी भी हम काफी दूर हैं। तो यहां से मार्केट में अभी भी इसके हिसाब से कूल डाउन हो सकता है। बट हमारे नंबर एक्चुअली इतने डरावने नहीं है इंडिया के मार्केट कैप टू जीडीपी वाइज, क्योंकि अगर आप यूएस का डेटा देखोगे तो ये तो लगभग 200 के आसपास आ चुका है, यानी कि जितना इनका टोटल जीडीपी है उसके 200% पे यूएस इकोनॉमी ऑलमोस्ट चल रही है। और ये नॉर्मली इनका 100 के आसपास चलता था, आप देखिए देखते देखते ये 150 और फिर अब ये 200, तो इनका भी कूल डाउन का टाइम ऑलमोस्ट इसके हिसाब से लग रहा है कि आना चाहिए। अब ये नंबर देख करके आपको घबराने की जरूरत नहीं कि अरे यार हाँ यार जीडीपी वाइज बहुत नीचे आ जाएगा, पी भी अभी यहाँ से 13-14-12 भी आ सकता है, तो क्या बेच के निकल जाए, नहीं, ये गलती बिल्कुल भी मत करना। और इसके पीछे का मैं आपको रीजन भी बताने वाला हूँ और ये प्रिडिक्शन से हम मालूम करेंगे। देखो सबसे जो मजबूत इकोनॉमी है वो है यूएस, है ना, तो यूएस का प्रिडिक्शन तो अच्छा होना चाहिए था, है ना, काफी क्लोज होना चाहिए था जब भी इकोनॉमी की बारी आए। लेकिन वहां के जो इकोनॉमिस्ट है जो उन्होंने प्रिडिक्शन किया था कि यार ये जो इन्फ्लेशन है ना, जो इन्फ्लेशन परेशान कर रहा है, ये ना सिर्फ ट्रांजिटरी है। अगर मैं आपको डेटा दिखाऊं तो ये डॉक्यूमेंट नवंबर 3, 2021 का है, फेडरल रिजर्व का, ठीक है। अब ये डेटा आप पढ़ो, इन्फ्लेशन इज एलिवेटेड, यानी कि एक साल पहले इनको पता था कि यार इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, ठीक है, लेकिन उसके पीछे का रीजन क्या दिया था, लार्जली रिफ्लेक्टिंग फैक्टर्स दैट आर एक्सपेक्टेड टू बी ट्रांजिटरी। अब ट्रांजिटरी क्यों है, क्योंकि सप्लाई एंड डिमांड जो है ना उसमें इम्बैलेंस है। जैसे कि कोविड आया, है ना, कोविड आया तो मान लो सारी कंपनियां इतना सप्लाई कर रही थी और लोगों को इतना डिमांड था, तो दोनों में बैलेंस था। लेकिन जैसे ही कोविड हिट हुआ तो लोग तो घर में बैठ गए, तो डिमांड तो घट गई और जबकि सप्लाई बना रहा, क्योंकि कंपनियों को बंद होने में थोड़ा टाइम लगेगा। फिर क्या हुआ, 6 महीने में कंपनियां बंद हो गई कि ठीक है यार स्लो डाउन हो गया, सब कुछ स्लो डाउन हो गया। और अचानक से जैसे ही लॉकडाउन खुल गया वैसे ही लोग बाहर आ गए, तो अब आप देख रहे हो कंपनियां तो चालू ही नहीं है। अभी तो वर्कर्स गांव चले गए थे, फिर वहां से लौटेंगे, फिर कंपनियां चालू होंगी, वगैरह वगैरह बहुत सारे डिसरप्शन हो चुके थे। तो अब सप्लाई में प्रॉब्लम आ गई लेकिन डिमांड अचानक से बढ़ गई, दिख रहा है, तो इसकी वजह से प्राइसेस ऊपर चले गए, तो इसको कहते हैं ट्रांजिटरी। तो ये जो ओपनिंग हो रही है ना, ये ओपनिंग की वजह से एक्चुअली इन्फ्लेशन बन रहा है, ऐसा इनका कहना था। बट अगले ही 2 महीनों में इन्होंने क्या चेंज किया अपना स्टेटमेंट, मैं आपको वो दिखाता हूं। अब अगले ही मंथ का आप ये डेटा देखो, 1 दिसंबर 2021, यानी नवंबर का हमने देखा था जहां पे ट्रांजिटरी बोला था, और नेक्स्ट ही मंथ में क्या बोला, जेरेमी पॉवेल डिचेस ट्रांजिटरी टैग, यानी कि उन्होंने इसको हटा दिया कि भाई ये जो सप्लाई और डिमांड की वजह से डिसरप्शन था ना, वो शायद उनको लगा कि नहीं ये नहीं है, रीजन कुछ और है, और इसके लिए उन्हें अब इंटरेस्ट रेट को बढ़ाना पड़ेगा, उसको इंक्रीज करना पड़ेगा, मार्केट में लिक्विडिटी जो है वो कंट्रोल करनी पड़ेगी, क्योंकि यूएस मार्केट ने इतना पैसा छापा था कि वो पैसे की वजह से मार्केट में लिक्विडिटी बहुत ज्यादा थी और उसकी वजह से इन्फ्लेशन बहुत तेजी से बढ़ रहा था। बट इससे मैं आपको बताना क्या चाहता हूँ, इससे मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि यूएस की इकोनॉमी जहाँ पे बिग पर्सन्स बैठे हुए हैं, एकदम उनके पास डेटा का एक्सेस है, उसके बावजूद भी वो एग्जैक्टली प्रेडिक्ट नहीं कर पा रहे हैं कि क्या प्रॉब्लम आ रही है और इसको कैसे कंट्रोल करेंगे। और आप अगर सोच रहे हो कि नहीं मुझे कोई बता दे एकदम एग्जैक्ट प्रेडिक्शन कि मार्केट कहाँ नीचे जाएगा, कितने ऊपर आ जाएगा, मैं यहाँ पे खरीद लूंगा, यहाँ पे बेच दूंगा, तो आप भूल जाओ। अब ये आज मैं एक्चुअली देख रहा था मैक्वायरी, है ना, ये बहुत ही बड़े ब्रोकर्स हैं, मैक्वायरी एंड क्रेडिट स्विस। अब देखो मैक्वायरी क्या बोल रहा है,
कि जोमेटो का शेयर जो है ना वो अभी और नीचे आएगा, ऑलरेडी 60 पे है, ये तो 50 तक आ सकता है, 55 तक आ सकता है। वहीं क्रेडिट स्विस क्या बोल रहा है कि नहीं नहीं भैया, ये 55 नहीं, ये तो जाएगा 95, 90 के ऊपर जाएगा। अब आप सोचो, दो बड़े ब्रोकर, वर्ल्ड लेवल के ब्रोकर्स, सेम जोमेटो स्टॉक पे, सेम सिचुएशन। अब इन्फ्लेशन और सिचुएशन सब कुछ तो सेम है ना, बट एक बोल रहा है कि नहीं नहीं ऊपर जाएगा, एक बोल रहा है नहीं नहीं नीचे जाएगा। अब आप सोचो कौन राइट है कौन रॉन्ग है। अब आप एक का मानोगे और खरीद लोगे तो आपको लगेगा अरे यार ये तो सही हो गया, नेक्स्ट टाइम भी ये सही हो जाएगा। नहीं नहीं हर बार कोई सही नहीं होता, 50-60% टाइम भी बंदा सही हो गया ना, दैट इज मोर देन इनफ। तो आप ऐसे प्रेडिक्शंस को लेकर के मत स्टॉक्स खरीदो, ऐसे सिचुएशन में आप उन्हीं स्टॉक्स को खरीदो, उन्हीं जगह पे इन्वेस्ट करो जहां पे आपका भरोसा हो। तो आपका इन्वेस्टमेंट प्रेडिक्शन के बेस पे नहीं होना चाहिए, एक्चुअली इंडिया की इकोनॉमी पे डिपेंडेंट होना चाहिए। सो ये ग्लोबल जीडीपी फोरकास्ट है जो कि आपको एक कॉन्फिडेंस देगा, क्योंकि अभी तक हमने जितना बात किया वो प्रेडिक्शन के हिसाब से ऐसा लग रहा है कि दुनिया एकदम डूबने वाली है, ऐसा नहीं है। अब आपको दिख रहा होगा तो यूएस की इकोनॉमी का जो प्रोजेक्शन है वो 3.7% है ग्रोथ का, वहीं अगर आप इंडिया का देखोगे 8.2% है, विच इज हाइएस्ट। India is forecast to see one of the highest growth rates supported by government spending and economic reform. आप एक सही इकोनॉमी में इन्वेस्ट कर रहे हो, लॉन्ग रन के हिसाब से इंडियन इकोनॉमी पक्का ऊपर जाने वाली है। एंड व्हेन आई से लॉन्ग रन मतलब मिनिमम 5 years आप मान के चलो। तो अगर आप यहाँ पे बॉटम पे इन्वेस्ट कर रहे हो तो जरूर आपका पैसा 101% बनेगा। बट अगर आप सोच रहे हो कि यार ये कल बन जाए, परसों बन जाए, ये नीचे चला गया, अरे यार कुछ और गड़बड़ हो गया, ऑयल का प्रॉब्लम, इन्फ्लेशन का प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम, तो आप इन्वेस्ट नहीं कर पाओगे। बट याद रखो, आपको बबल वाले स्टॉक्स में इन्वेस्ट नहीं करना है। बबल वाले, अभी बबल वाले स्टॉक का मतलब क्या है? देखो अभी पूरे स्टॉक मार्केट को अगर आप बबल बोलोगे तो फिर तो आई थिंक आपके लिए स्टॉक मार्केट सही नहीं है, फिर आप सीधा सीधा पीएफ या पीपीएफ के थ्रू आप इन्वेस्ट करो। लेकिन हाँ, कुछ स्टॉक्स में बबल जरूर होता है। बबल स्टॉक्स क्या होता है, जैसे मान लो ये एक स्टॉक है ना, अब उसका जो है शेयर प्राइस बहुत तेज भागे जा रहा है, लेकिन उसका बिजनेस कुछ भी नहीं चल रहा है, कोई प्रॉफिट नहीं, कोई सेल्स का ग्रोथ नहीं, कोई कुछ ग्रोथ नहीं, बट शेयर प्राइस फटाफट भागे जा रहा है, तो इसको बोलते हैं बबल। तो अगर आप ऐसे स्टॉक्स में बैठे हो जिनका सेल्स और प्रॉफिट का डेटा बहुत ही खराब है, ग्रोथ नहीं आ रही है, तो उनसे निकल जाओ, चुपचाप निकल जाओ, वही होते हैं बबल। वहीं दूसरे स्टॉक्स जो होते हैं जिनका शेयर प्राइस भले ऊपर नीचे जैसा भी कर रहा है, लेकिन उनका बिजनेस धनाधन नया हाई बनाते जा रहा है, तो आप ऐसे स्टॉक्स में जरूर रहो। ऐसे स्टॉक्स को बबल नहीं कहते, ऐसे स्टॉक्स सबसे फास्टेस्ट रिकवरी करेंगे जैसे ही मार्केट में रिकवरी आती है। जैसे कि एग्जांपल के लिए मैं आपको बता देता हूं, एचडीएफसी बैंक है। तो ये एचडीएफसी बैंक हम चेक कर रहे हैं, शेयर प्राइस आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये लगभग 1700 के आसपास था, वहां से गिर के 1300 आ चुका है, इतना बड़ा करेक्शन हो चुका है। लेकिन इससे आपको डरना नहीं है, क्यों? क्योंकि इस कंपनी का अगर आप सेल्स का डेटा देखोगे तो आपको दिखाई देगा कि ये कंपनी का सेल्स का डेटा लगातार ऊपर जा रहा है, और अभी इस क्वार्टर में इसने हाईएस्ट सेल्स दर्ज किया है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, इस पर्टिकुलर बैंक का सेल्स लगातार अभी इसने हाईएस्ट सेल्स दर्ज किया, और प्रॉफिट के मामले में भी देखोगे तो हाईएस्ट प्रॉफिट दर्ज किया हुआ है इस पर्टिकुलर बैंक ने। तो डेटा अगर अच्छा हो रहा है तो इसको बबल नहीं कहते है ना, तब इससे आपको डरने की जरूरत नहीं। लेकिन अगर आपने कोई ऐसा स्टॉक ले लिया है जिसका सेल्स का, प्रॉफिट का, प्रॉफिट का कुछ पता ही नहीं है, जैसे कि मान लो जोमेटो ही देख लो यार, जोमेटो देख लो, कोई प्रॉफिट नहीं है, कोई कुछ भी नहीं, तो पता नहीं अभी मैक्वायरी कुछ भी बोले, क्रेडिट स्विस कुछ भी बोलो, ये तो मतलब पता ही नहीं है क्या होगा ना, वो अपना गेस करते रहे। ऐसे गेस वाले स्टॉक से दूर रहो, रिकमेंडेशन वाले स्टॉक से दूर रहो। अब आप ये देखो, 14 जून का डेटा है, बाय एंजल वन कोई तो बोल रहा है, एचडीएफसी सिक्योरिटीज बोल रहा है, बाय फेडरल बैंक एचडीएफसी सिक्योरिटीज बोल रहा है, बाय ग्रेविटास इंडिया ये एमके ग्लोबल बोल रहा है, बाय ट्रेंट ये आईसीआईसीआई डायरेक्ट बोल रहा है, बाय रिलैक्सो फुटवेयर ये एक्सेस। ऐसे अगर आप इनका देख करके बाय करोगे ना तो आपका पैसा नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। ये इन्फ्लेशन का प्रॉब्लम, ये स्टॉक मार्केट क्रैश का प्रॉब्लम, ये सारी प्रॉब्लम आती रहती है, ये इसका हिस्सा है। अच्छा सुनो, देखो हमने स्टोरी सुनी हुई है ना कि राकेश झुंझुनवाला ने टाइटन में इन्वेस्ट किया था, है ना, टाइटन में सन 2000 में इन्वेस्ट किया था। 2000 के बाद 2003 का क्रैश था, 2002 का, फिर 2007 का क्रैश था, आज भी आरजे होल्ड करते हैं टाइटन को, है ना। तो हम आज देखते तो हमें लगता है अरे यार इतना पैसा बना लिया, ऐसा ही 2 रुपए वाला स्टॉक हमें चाहिए। देखो, बाय सेल इज नॉट द टफेस्ट पार्ट इन स्टॉक मार्केट। 2 रुपए का, 5 रुपए का, 500 रुपए का भी अच्छा अच्छा शेयर खरीदो, बट आप होल्ड नहीं कर पाओगे, क्योंकि ऐसे इकोनॉमिक प्रॉब्लम छोटे मोटे आते रहेंगे।
अगर आपका 5 साल का होराइजन है तो आपका जरूर पैसा बनेगा, जरूर पैसा बनेगा, खास करके इंडियन इकोनॉमी में। तो हमें ये बड़ा मजा आता है कि सुनने में, अरे यार आरजे ने टाइटन होल्ड किया है 20 साल से, अरे यार बीच में देखो इतने सारे क्रैशेस आ गए, आप खुद छोड़ के भाग जाओगे। आप आराम से अच्छे स्टॉक में बने रहो लॉन्ग टर्म के लिए, आपका पैसा जरूर बनेगा। लेकिन फिर भी अगर आपको कन्फ्यूजन है, नहीं कन्विक्शन हो रहा है कि यार मैं कैसे इन्वेस्ट करूँ, तो सबसे पहले ना अगर आपको 100 रुपये इन्वेस्ट करने हैं ना, इसको ना 5 पार्ट में ब्रेक कर दो। कैसे? 20 रुपीज़, 20 रुपीज़, 20 रुपीज़, 20 रुपीज़ एंड 20 रुपीज़। और हर बार जब भी मार्केट 3 से 4% करेक्ट होता है ना, तो 20 रुपीज़ डाल दो। तो आपका पहला 20 रुपीज़ चला गया और नीचे गया मार्केट, जैसे अभी मार्केट 15,000 मान लो 600 पे चल रहा है और आपको कोई कहानी सुना रहा है कि ये तो 14,000 जाएगा, फिर कोई बोल रहा है 12,000 जाएगा, फिर कोई बोल रहा है 10,000 जाएगा, ये कहने दो, किसी को नहीं पता एग्जैक्टली क्या होगा। ये 14,000 चला जाएगा तो जिसने प्रिडिक्शन किया होगा वो हल्ला मचाएगा, ये देखो मैंने बोला था, देखो मैंने बोला था। जिसका नहीं आएगा वो चुपचाप बैठ जाएगा। 15,600 पे है, आप 20 रुपये डाल दो। 14,600 पे आएगा तो 20 रुपये और डाल देना, 14,000 पे आएगा तो 20 रुपये और डाल देना, 12,000 पे आएगा तो 20 रुपये और डाल देना, 10,000 पे आएगा तो 20 रुपये और डाल देना, उसके बाद खत्म आपका पैसा, ठीक है चलेगा। उसके बाद और नीचे जाता है, जाने दो, मार्केट का बिहेवियर ही ऐसा है। ऐसा नहीं कि आपने पक्का बॉटम पे पकड़ना ही है, कोई दिक्कत नहीं, बट आप ये जरूर समझ लो कि इंडियन इकोनॉमी अच्छे सिचुएशन में है, 5 साल बाद यहां से आपको ऊपर ही मिलेगा। तो चाहे आपने यहां बाय किया हो, यहां बाय किया हो, यहां बाय किया हो, यहां बाय किया हो, टेंशन मत लो, आप थोड़ा थोड़ा करके पार्टीशन में बाय करते रहो, जहां पे आपका एंड हो जाएगा दैट्स ओके, बट उसके बाद आपको लॉन्ग टर्म होल्ड करना है। याद रखो, बाय एंड सेल ये बच्चों का काम है, इसको रोज बच्चे लोग करते हैं, है ना। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है होल्ड। आप होल्ड कर सकते हो क्या अच्छे बिजनेसेस को लंबे समय के लिए? अगर आप होल्ड कर सकते हो तो आपका पक्का पैसा बनेगा। आई होप इस वीडियो से आपको जरूर कुछ ना कुछ सीखने मिला होगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।